हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। बेटा ये 9th की केमिस्ट्री में जो आपका सेकेंड चैप्टर चल रहा है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें ये थर्ड वीडियो लेक्चर होगा। इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर थे, फर्स्ट में हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में पढ़ा थोड़ा, है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि सब्सटेंस आपने लिए जो आपके पास मैटर है, फिर वो आपके पास प्योर या मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, प्योर या इम्प्योर, ठीक है। फिर प्योर के बारे में बताया हमने, है ना। उसके बाद हमने अब इम्प्योर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इम्प्योर में क्या आएगा आपके पास, मैंने बताया था मिक्सचर, है ना। फिर आपको बताया था कि मिक्सचर दो टाइप की होती है, एक तो होमोजीनियस होती है, दूसरी हीट्रोजीनियस मिक्सचर होती है ना। होमोजीनियस मिक्सचर कौन सी होती है, जिसमें आपके पास फेज़ एक ही होता है, और जो हीट्रोजीनियस, जिसमें टू या दो से ज़्यादा फेज़ होते हैं, है ना। अब देखो, होमोजीनियस मिक्सचर में को हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, और जो आपके पास हीट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसमें आपके पास आएगा कोलाइड्स और सस्पेंशन। कोलाइड्स को आप कोलाइडर सॉल्यूशन भी कहोगे। इनकी डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं आपको बताऊंगा सीरियल वाइज। फर्स्ट देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होगा, द पार्टिकल्स आर स्मॉल दैट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर, कि पार्टिकल्स जो होंगे सॉल्यूशन में, वो इतने छोटे होंगे जिनका साइज़ कितना होगा, 1 नैनोमीटर, मीन्स 10^9 मीटर। कोलाइडर सॉल्यूशन में क्या होगा, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, इसमें पार्टिकल्स सब और छोटे होंगे, दैट इज़ इसमें पार्टिकल्स छोटे होंगे, दैट इज़ उनका साइज़ कितना होगा, 1 to 100 नैनोमीटर, दैट इज़ 10^9 मीटर टू 10^-7 मीटर। सस्पेंशन में क्या होगा, पार्टिकल्स आर लार्ज दैट इज़ मोर देन 100 नैनोमीटर, इसमें पार्टिकल जो होंगे वो थोड़े बड़े होंगे एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन एंड कोलाइड्स। कितना साइज़ होगा उनका, 100 नैनोमीटर, दैट इज़ 10^-7 मीटर। जो सॉल्यूशन होगा आपके पास, जब आप उसमें मिक्स कर लोगे, जैसे आपके पास सॉल्ट एंड वाटर है, जब आप सॉल्ट एंड वाटर मिक्स कर लेते हो अच्छे से, तो आप देखते हो वो जो सॉल्यूशन रहता है, वो जैसा वाटर पहले होता है वैसा ही दिखता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है ना। लेकिन जो कोलाइड्स होंगे आपके पास, या कोलाइडर सॉल्यूशन होंगे, वो ट्रांसलूसेंट होंगे। ट्रांसलूसेंट मीन्स उसमें थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देगा, क्लियरली पूरा दिखाई नहीं देगा, जस्ट थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। एंड जो सस्पेंशन होगा, उसमें क्या होगा, जब आप एक बार आप जो जब आपने सॉल्यूशन को मिक्स कर लिया सस्पेंशन में, क्या होगा, तो आपके पास वो ओपेक होंगे। ओपेक मीन्स उसके आप आर पार नहीं देख पाओगे। नेक्स्ट आ गया आपके पास सॉल्यूशन में, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज़ कितना छोटा है, 10^-9 नैनोमीटर, तो जब आप फिल्टर पेपर से इसको पास करोगे, जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको सॉल्ट एंड वाटर की, ठीक है। जब सॉल्ट एंड वाटर आपने मिक्स कर लिया एक बार, तो अगर आप उसको जो सॉल्यूशन आपके पास आया, आप ठीक है, उसको अगर आप फिल्टर पेपर पे छोड़ोगे, तो फिल्टर पेपर में क्या होगा, वाटर तो पास होगा ही होगा, साथ में सॉल्ट के पार्टिकल्स का साइज़ भी बड़ा छोटा है, तो वो भी उसमें से पास हो जाएगा। इसका मतलब हम वाटर और सॉल्ट को सेपरेट नहीं कर पाएंगे इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो छोटा होगा बहुत ज़्यादा। अब देखो कोलाइड्स में, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसमें भी कोलाइड्स में भी आपके पास जो पार्टिकल्स हैं, उनका साइज़ छोटा है, इस वजह से इसमें भी जो आपके पास फिल्टर पेपर होगा, उससे आप पार्टिकल्स सेपरेट नहीं कर पाओगे कोलाइडर सॉल्यूशन में भी, ठीक है। लेकिन सस्पेंशन में क्या बोला था हमने, कि इसमें पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है थोड़ा, एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स, सॉरी टू सॉल्यूशन एंड कोलाइडर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होगा, जो आप जब आप फिल्टर पेपर से सॉल्यूशन को पास करोगे, सस्पेंशन को पास करोगे, तो क्या होगा, जो वाटर होगा वो पास आउट हो जाएगा, और जो आपके पास जो आपने मिक्स किया, जिसके पार्टिकल का साइज़ बड़ा होगा, वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाएगा। इस तरह से आप सस्पेंशन में पार्टिकल्स को सेपरेट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, इसके बाद जो सॉल्यूशन है आपके पास, ट्रू सॉल्यूशन है, डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। जब आप इसका मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का हो, यहाँ पे होगा टिंडल इफेक्ट। अगर यहाँ पे क्या होगा कि सॉल्यूशन जो है, ट्रू सॉल्यूशन है, वो टिंडल इफेक्ट जो है आपको वो नहीं दिखाएंगे, ठीक है। कोलाइड्स में भी नहीं होगा, लेकिन सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा है, इस वजह से क्या होगा, वो स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट, जो बीम ऑफ लाइट होगी उसको वो स्कैटर करेंगे, मीन्स टिंडल इफेक्ट शो करेंगे यहाँ पे सस्पेंशन, कोलाइड और ट्रू सॉल्यूशन नहीं शो करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्यूशन में, आपके पास मैंने पहले भी बताया सॉल्ट सॉल्यूशन आपके पास आ गया एग्जांपल ट्रू सॉल्यूशन की। कोलाइड्स में आपके पास, या कोलाइडर सॉल्यूशन में आपके एग्जांपल आ गई मिल्क
एंड सस्पेंशन में आपके पास आ गया चाक पाउडर वाटर। अब देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी शो करके दिया हुआ है एक बार आपको। यहाँ पे देखो पार्टिकल का साइज बिल्कुल छोटा है ना, इसमें थोड़ा बड़ा है, इसमें थोड़ा और बड़ा है, मतलब कि जो पार्टिकल, ये आपके पास सोल्यूशन आ गया, ये आपके पास आ गया कोलाइडर सोल्यूशन, और ये आ गया आपके पास सस्पेंशन। तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो सोल्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर स्मॉल, दैट इज़ यहाँ पे साइज़ आपका ये आ गया। तो जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है वो आप रखोगे साइज़ की, पार्टिकल का साइज़ कितना है, मैंने पहले ही वो हाईलाइट किया हुआ है। फिर उसके बाद देखोगे आप ये, तो ये आपके पास डिफरेंस भी आ गया और मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ भी बता दी। थैंक यू बेटा।